उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी कोविड-19 की रोकथाम के लिए सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसा ही एक मामला मथुरा के नौझील थाना इलाके से प्रकाश में आया, जहां मतदाताओं ने खुलेआम चुनावी दावत देने की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा तो पुलिस को देख प्रत्याशी और समर्थकों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि नौझील थाना इलाके मुंडलिया गांव में रालोद समर्थित प्रधान पद के प्रत्याशी सोनू चौधरी अपने समर्थकों के साथ खेत में बिना अनुमति के मतदाताओं को चुनावी दावत दे रहा है। सूचना पर पुलिस इंस्पेक्टर लोकेश भाटी मायफोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस को देखकर प्रत्याशी और समर्थकों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर समेत कई पुलिसकर्मी को गंभीर चोटें आईं। एसएसपी ने बताया कि कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत आदर्श आचार संहिता पूरे जनपद में लागू है। आज थाना नौझील के ग्राम मुड़लिया से एक सूचना मिली कि एक सोनू प्रधान, जो कि एक प्रत्याशी के रूप में जिसने पर्चा भरा है, वो कोविड के नियमों के विरुद्ध और आदर्श आचार संहिता के नियमों के विरुद्ध जाकर के लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पर दावत कर रहा है। इस जानकारी पर पुलिस यहाँ पर पहुँची, इनको इस बारे में हिदायत दी गई, परंतु इनके द्वारा हिदायत ना मानते हुए पुलिस का विरोध किया गया, अभद्रता की गई और कुछ पथराव भी किया गया है। पुलिस द्वारा और फोर्स यहां पर पहुंचकर स्थिति को कंट्रोल में किया गया। अभी यहां पर शांति व्यवस्था व्याप्त है। इस घटना में जिन भी व्यक्तियों ने किया है उनमें से कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि मतदाताओं ने खुलेआम चुनावी दावत देने की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा। उस दौरान प्रत्याशी और समर्थकों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें इंस्पेक्टर समेत कई पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं।